हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है वो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम को लेकर है। बीएचयू ने अपने एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया है। पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि बीएचयू में किस तरह के कोर्सेज होते हैं। बीएचयू एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आती है। और बीएचयू यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, वो सारी बातें बताऊंगा। इसके अलावा बीएचयू यूनिवर्सिटी से एक टेक्निकल कोर्स भी होता है जिसका नाम है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसकी भी मैं कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, क्योंकि इंपीटस गुरुकुल में एमसी एंट्रेंस के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, तो इस कोर्स से रिलेटेड भी सारी बातें बताऊंगा। पर पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा यूनिवर्सिटी के बारे में और इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट के बारे में। सबसे पहले हम समझें कि बीएचयू यूनिवर्सिटी से आप किस तरह के कोर्सेज कर सकते हैं। बीएचयू यूनिवर्सिटी से आप दो तरह के कोर्सेज कर सकते हैं। एक जो ट्वेल्थ के बाद के कोर्सेज होते हैं जिसको हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट जिसका नाम है यूईटी, जिसके थ्रू आप लाइक बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो या बीए, यानी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। और या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फिर आप पीईटी का एग्जाम दे सकते हैं। पीईटी का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, यानी पीजी कोर्सेज के लिए एग्जाम होता है। इसके थ्रू भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, लाइक मैं एक आइडिया देता हूं, एमबीए, एमसीए, एमएससी। एमएससी भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में कर सकते हैं आप, एमए, एलएलबी, लॉ, यानी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप बीएचयू यूनिवर्सिटी के थ्रू कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं बोलना चाहूंगा कि मोर देन 200 कोर्सेज होंगे जो कि आप बीएचयू यूनिवर्सिटी के अंदर जाके कर सकते हैं। और इसीलिए आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे, मैं बताना चाहूंगा कि जब कल ही इसका नोटिफिकेशन आया 30 को कि सर बीएचयू से एमसीए करना चाहिए या एनआईटी से या जेएनयू से या डीयू से या हैदराबाद यूनिवर्सिटी से एंड सो ऑन, तो मैं आपको ये भी एक डिफरेंस बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि डिपेंड ये करता है कि आप कौन से कोर्सेज को करने चाह रहे हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे कोर्सेज हैं। इवन इसी बीएचयू कैंपस में बीएचयू आईआईटी भी है। आपको पता है कि यहां से इंजीनियरिंग एंट्रेंस भी की जा सकती है थ्रू आईआईटी के थ्रू। पहले इसका सेपरेट होता था, अब ये आईआईटी में मर्ज हो गया, यानी एक बहुत बड़ा कैंपस है। इनफैक्ट अपने आप में एक पूरी सिटी है। और इस कैंपस के थ्रू कोर्स करने के बाद आपको आने वाले समय में इसके फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जब आप बीएचयू से कोई कोर्स करके निकलते, सपोज आप एमएससी करके निकले, आप मान लो एमए करके निकले, या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आपने एमए किया है, एलएलबी किया, जो भी किया है, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी ज्यादा रहती है। तो ये एक फायदा रहता है। कोर्सेज बहुत सारे हैं, इसलिए मैं सेशन में एक बात सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये सेशन सुन रहे हैं और आप एमसीए के अलावा कोई और एंट्रेंस देने वाले हैं, ट्वेल्थ के बाद वाला, ग्रेजुएट के बाद वाला, इवन एमसीए भी, तो मैं आपको बोलूंगा सबसे पहला एक काम जरूर करिएगा, 60 पेज का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, पहले वो आप डाउनलोड करिए। और मैं कहूंगा बल्कि डाउनलोड करिए या आप अपने रिलेटेड इंपॉर्टेंट पेजों का प्रिंट आउट निकालिए, पहले सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल केयरफुली रीड करिए और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसके फॉर्म को फिल करिए। और कोई भी कोर्स क्यों कर रहे हैं ये पिक्चर बहुत क्लियर होना चाहिए कि उसके लिए आपका पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म आपका गोल क्या है, क्या सोच के आप बनारस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। अगर ये क्लियरिटी है तो ही फॉर्म फिल करिए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग पहले पूरा इंफॉर्मेशन निकालिए, एक एक चीज को डिटेल में पढ़िए, जैसे मैंने ये निकाले हुए अंडरलाइन करिए, और अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट आप जो भी फील्ड में जाने वाले हैं, जिस भी फैकल्टी में जाने वाले हैं, उसके लिए आप अपनी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग जो है वो ऑनलाइन होगी। और फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हुई है, तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है 30 जनवरी से लेकर 29 फेब तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर सुनिए, 30 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक आप फिल कर सकते हैं। एग्जाम डेट जो है वो है 26 अप्रैल से लेके 29 मई तक। सोचिए लगभग लगभग एक महीने तो इसका एग्जाम ही चलता है, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। इसलिए तो अगर, और सबसे मेन बात है, अगर मैं बीएचयू में, एक और बात होती है कि एक होता है बीएचयू का मेन कैंपस और कुछ उसके साथ एसोसिएट भी कॉलेजेस हैं, वहां से भी बच्चे करते हैं। ऑलमोस्ट जो भी कोर्सेज हैं सभी फिल हो जाते हैं, क्योंकि वहां से कोर्स करने के बाद आपको जॉब भी उससे रिलेटेड मिलने में आसानी होती है। अब बात करता हूं मैं एमसी एंट्रेंस के बारे में, जिसके लिए मैं सेशन ले रहा हूं। तो अगर मैं एमसी एंट्रेंस के बारे में बात करूं, तो बीएचयू के एमसी एंट्रेंस का एग्जाम टेस्ट है 26/04/20, मतलब
26 अप्रैल को आपको इसका एग्जाम देना है और इसका कोड है 492। थोड़ा कोड का याद रखिएगा, बहुत सारे कोर्सेज हैं इसलिए कोड को मैंने अलग से मेंशन किया है कि अगर आप एमसी एंट्रेंस पोस्ट में एंट्री ले रहे हैं तो इसका कोर्स है, कोड है 492। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सभी एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप www.bhuonline.in पे जाके करें। एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जब भी कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो हमेशा आपका पहला विजिट ऑफिशियल वेबसाइट पे होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम जैसे हम लिखें BHUMC तो आप जैसे लिखेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट दिख रही होती है, उससे हम कई बार मिसगाइड हो सकते हैं। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, हमारी वेबसाइट है impetusgurukul.com, यहां पर सारे कोर्सेज की हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद भी मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले एग्जाम फिलिंग के पहले रूल होता है कि आप प्रॉपरली ऑफिशियल वेबसाइट पे एक एक चीज देखें। तो आप bhuonline.in पर जाके पूरी डिटेल दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि एमसीए में पैटर्न क्या एग्जाम का। तो एमसीए का जो एग्जाम होता है वो होता है, इसका एग्जाम ड्यूरेशन है 120 मिनट का, 120 क्वेश्चंस आते हैं इसमें और करीब करीब इसके सिलेबस को हम देखें तो 80 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ्स के होते हैं, 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो LR, DI और DS के होते हैं, राइट। यानी 120 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैं सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस करता हूं, पर आप एक बात समझ लीजिए कि 120 क्वेश्चन है। जैसे निम सेट के पैटर्न को देखें, इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप NITs की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इन 120 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, मैथ्स का लेवल होता प्लस टू लेवल का है पर क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं होता है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसका सिलेबस में बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, बट एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एलिमेंट्री कैलकुलस है, लिखा भी है सिलेबस में, स्पेशली मेंशन किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पेशली इस बात को मेंशन किया गया है सिलेबस में, और वो चीज मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आप समझ पाए कि सिलेबस का कितना पार्ट आपको पढ़ना है। तो देखिए सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सुनिएगा आप। सिलेबस में लिखा हुआ एमसीए में पेज नंबर 46 पे मिलेगा आपको सिलेबस। मैं आपको इंफॉर्मेशन भी बता रहा हूं, पेज नंबर 46 पे सिलेबस दिया एमसीए में, प्लस टू लेवल का दिया हुआ, और उसमें क्लियरली मेंशन है कि वन पेपर ऑफ 120 मिनट, ड्यूरेशन 360 मार्क्स का होगा, यानी 120 इंटू 3 करेंगे तो 360 मिलेगा। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अबाउट 80 क्वेश्चन, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग अबाउट 40 क्वेश्चन, ये इसका पैटर्न है। सिलेबस की बात करें तो देखिए क्या है, लॉगरिथम, इनइक्वलिटीज, मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट, प्रोग्रेशन, बाइनोमियल एक्सपांशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इक्वेशन अप टू 2 डिग्री, यानी देखिए मेंशन किया है कि पॉलिनोमियल भी नहीं, अप टू 2 डिग्री, फंक्शन एंड रिलेशन, कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक ऑफ कैलकुलस, बिल्कुल क्लियर लिखा बेसिक ऑफ कैलकुलस, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी प्लस टू लेवल का सिलेबस है पर क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं होता है। इसलिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। मोस्टली बीएचयू एग्जाम देने वाले बच्चे वो होते हैं जो एनआईटीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, इसलिए ये उनके लिए बेनिफिट होता है। अब बात करते हैं इसके अलावा एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, और इसमें एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन और इसके अलावा DI के भी कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, ये एक चीज हुई। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एलिजिबिलिटी का जो पेज है वो पेज नंबर 18 है, 60 पेज के बुलेटिन में पेज नंबर 18 पर जाएंगे तो आपको दिया होगा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए कि क्या क्या चीजें लगती हैं। तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% एग्रीगेट हो तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये कोर्स पर्टिकुलर मैं उन लोगों के लिए हमेशा रेकमेंड करता हूं जिनका बाय चांस ग्रेजुएशन में 60% नहीं बन पाया, क्योंकि यहां पर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके ग्रेजुएशन में 60% नहीं है बट वो निम सेट की ही तैयारी कर रहे हैं, जबकि वो निम सेट में नहीं जा सकते, पर निम सेट की तैयारी का फायदा यह है कि वो जैसे BHU दे सकते हैं या JNU दे सकते हैं और भी एग्जाम दे सकते हैं, पर उसमें मैं बोलूंगा कि BHU और JNU देना चाहिए, जिससे कि आप, क्योंकि अगर आपका 60% से कम है
ऐसे में अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से एमसीए करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट नील के बराबर हो जाती है, पर आप बीएचयू या जेएनयू से करते हैं तो यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। तो इसलिए मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहूंगा, कहीं कंफ्यूजन मत रखिएगा कि अगर आपके पास च्वाइस है। देखिए आपको जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको एमसीए करना है तो कहां से करना है, तो सबसे पहले बात आती है कि च्वाइस क्या है आपके पास। अगर आपको कोई एनआईटी मिल रहा है, अगर आपको कोई एनआईटी मिल रहा है और उसके साथ बीएचयू या आपको सपोज जेएनयू या सपोज आपको डीयू या सपोज हैदराबाद यूनिवर्सिटी क्या मिल रहा है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। अगर एनआईटी में त्रिची वारंगल, त्रिची सूरतकल, कैलीकट वारंगल, इलाहाबाद, मैनेट भोपाल मिलता है तो मैं बोलूंगा नंबर वन पे यहां जाना है। अगर आपको एनआईटी में लास्ट लाइक रायपुर वगैरह मिल रहा तो आप जेएनयू चले जाएं या आप डीयू जाएं। इनफैक्ट 3-4 एनआईटी के बाद लोग डीयू में जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट इस समय बहुत अच्छे हैं। हाईएस्ट पैकेज करीब करीब 28 लाख तक गया है इस बार, तो ये सबकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको टाइमली दूंगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी बेस्ट है। अब बात आती है कि अगर आप के परसेंट 60 है ही नहीं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कम हो गई है, ऐसे में बीएचयू या जेएनयू आपके लिए समझ लीजिए कि बेस्ट ऑप्शन है। कोई डाउट ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, अनडाउटेड। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 60% नहीं है तो किसी प्राइवेट के करने से ज्यादा बेटर है कि आप इस यूनिवर्सिटी से करें। और अगर आपके 60% से ऊपर है तो आप अपना पूरा एफर्ट लगाइए कि आप अच्छे एनआईटीज में जा सकें या डीयू में जा सकें। हैदराबाद में फिर भी नहीं जा पाते हैं तो ऐसे में भी आपको कंपेयर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जगह बीएचयू या जेएनयू को पहले प्रेफर करना चाहिए। पर जब हम बीएचयू या जेएनयू की बात करते हैं तो बीएचयू में 57 मेन कैंपस में सीट होती है और एक एफिलेटेड जो कॉलेज है उसमें 25 सीट्स होती है। तो आप समझिए कि ऑल ओवर इंडिया के अगर कॉम्पिटिशन को हम देखें तो 57 + 25 यानी केवल 82 सीट्स हैं। इसलिए और ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन होता है, इसलिए आपको यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर टफ नहीं होता है, पर इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको टॉप 100 में, यानी जब आप टॉप 100 में जाएंगे जब चांसेस है, बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, टॉप 100 इसलिए बोला कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एनआईटी भी हो जाता है बीएचयू भी, तो वो नॉर्मली बीएचयू को छोड़ देते हैं। तो अगर आप ये मान के चलिए कि टॉप 100 में आप अपनी पोजिशन बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी परसेंटेज ऑफ चांसेस बीएचयू के ऑलमोस्ट श्योर है। 150 तक भी कई बार चला जाता है, बट मैं आपको अभी हायर साइड और सेफर साइड बोलूंगा। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और मुझसे, क्योंकि कल ही इसका नोटिफिकेशन आया था तो मैं रुका हुआ था, एक क्वेश्चन और पूछा था कि सर हम एनआईटी के लिए एलिजिबल भी हैं और एनआईटी की तैयारी भी अच्छी हो गई, ऐसे में हमको बीएचयू एमसीए का एंट्रेंस देना चाहिए कि नहीं। तो मैंने उनको एक बात बोली थी, वही आपको बोलूंगा कि बीएचयू एंट्रेंस इसलिए देना चाहिए क्योंकि एनआईटी का एग्जाम मई में होगा और मई में एक्चुअल एग्जाम के पहले अगर अप्रैल में आप एक एग्जाम देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक एक्चुअल एग्जाम का एक एक्सपोजर मिलेगा, तो आपको वो एक फायदा मिलेगा। इसलिए आपको भले ही ना जाना बीएचयू यूनिवर्सिटी में तो भी मैं बोलूंगा कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए, जिससे कि आपकी एक प्री प्रैक्टिस हो जाएगी एक्चुअल एग्जाम के साथ। इसलिए आपको एग्जाम देना चाहिए। अब बात करते हैं इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट की, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि प्लेसमेंट का लेवल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है बीएचयू में एमसीए के लिए, बिकॉज बीएचयू यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत सारे कोर्सेज के लिए जानी जाती है, इसमें केवल एमसीए एक ऐसा कोर्स है जो टेक्निकल कोर्स है। यही प्रॉब्लम जेएनयू में भी आती है। बाकी जगह एनआईटीज में प्लेसमेंट अच्छे क्यों होते हैं एमसीए के लिए, कभी आप सोचिए तो वहां पर पूरा टेक्निकल कॉलेज है बी और एमसीए, तो वो वहां पर कंपनियों का नंबर ऑफ कंपनियां बहुत ज्यादा आती हैं, तो ऐसे में परसेंटेज ऑफ चांस ज्यादा होते हैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि टेक्निकल कोर्स कम होते हैं तो कम होते हैं। पर उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होते हैं, प्लेसमेंट होते हैं। करीब करीब एवरेज की बात करूं तो 3.5 से 6 लाख तक का बीएचयू में प्लेसमेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने 3 ईयर की डिग्री के दौरान बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, मैं एक और बात बता दूं बीएचयू के लिए कि अगर आपने बीएचयू में 3 ईयर के दौरान बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं तो बीएचयू आईआईटी के कैंपस में भी आपको चांस मिल सकता है बैठने के लिए कंपनी के लिए। उसमें 82 में करीब करीब 5 to 10 स्टूडेंट को कई बार चांस मिलता है, बट डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होना चाहिए,
तो इस बात के चांसेस है कि बीएचयू आईआईटी में जब कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं तो आपको वहां एक अपॉर्चुनिटी मिले, ये एक अच्छी बात है। तो ऐसा लगभग 5 से 10 स्टूडेंट के साथ ही हो सकता है। अब बात आती है कि अगर आपने बीएचयू से एमसीए किया है, एक सेवा आपका कैंपस नहीं होता तो क्या? तो अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से किया तो आपको ओपन कैंपस में बहुत प्रॉब्लम आती है, बट अगर आपने बीएचयू से एमसीए किया तो ओपन कैंपस के थ्रू या बाहर आप जब जॉब सर्च करते हैं तो बीएचयू का टैग आपके जॉब में बहुत हेल्प करता है, यानी ऑफ कैंपस भी अपॉर्चुनिटी आपके पास कंपेयर टू अदर स्टूडेंट ज्यादा है ऑफ कैंपस भी। और ये सच है, आप जरा वहां पे जब विजिट करेंगे या आप वहां पे सीनियर से पूछेंगे तो बताएंगे कि कुछ बच्चे प्लेस हुए, कुछ के प्रोजेक्ट अच्छे थे वो आईआईटी के साथ बैठे, और कुछ बच्चों ने जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था एमसीए के दौरान उनको ऑफ कैंपस जॉब इजीली मिल गया। दूसरा, ग्रोथ रेट हाई होता है। हो सकता है आपका 4 लाख का ही जॉब हो पर बीएचयू टैग के वजह से आपका ग्रोथ रेट कंपेयर टू अदर स्टूडेंट बहुत हायर साइड रहेगा, तो ये भी एडवांटेज होते हैं। अब मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आपको कंपेयर, देखिए कोई भी चीज का कंपेयर जब भी हो सकता है जबकि आपके पास दो ऑप्शन हो। अगर आपके पास ऑप्शन ही एक है तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि अगर आपके 60% से ऊपर हैं तो आप अपने ऑप्शन में एनआईटी या आपका डीयू या और भी कॉलेजेस रखें, पहले तो एनआईटी ही रखें मेन, और अगर आपके परसेंटेज लेस देन 60 है तो आपको बीएचयू पे फोकस करना। अगर लेस देन 55 है, बीएचयू की जेएनयू में 55 मांगते हैं, बीएचयू में केवल ग्रेजुएशन लेवल पे 50% मांगते हैं। तो किसी वजह से अगर आपके परसेंटेज अच्छे नहीं है बाय चांस तो आप फिर बीएचयू को ही फोकस करें। अगर आपके परसेंटेज ग्रेटर देन 60 है तो आप निमसेट को ही फोकस करें, बट एग्जाम बीएचयू का जरूर दें। बिल्कुल सिमिलर सिलेबस है और निमसेट के सिलेबस से लेवल करीब करीब मैं बोलूंगा 50% या अगर 50% से भी कम लेवल होता है तो आप जब एनआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वही सिलेबस में आपको हेल्प करेगा। आप अपने आप को सही असिस्ट कर पाएंगे कि कहां मिस्टेक्स हो रही हैं। तो ऐसे में मैं बोलना चाहूंगा कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको क्या करना चाहिए। अब जो जो एग्जाम के नोटिफिकेशन आएंगे वो मैं आपको टाइमली बताता चलूंगा। इसके अलावा मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, हर तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप impetusgurukul.com पर विजिट जरूर करिए और ऑनलाइन ऐप भी डाउनलोड करके रखिए, इंपिटस गुरुकुल ऑनलाइन ऐप। उसमें एडवांटेज ये होगा क्योंकि इसके एग्जाम आपको ऑनलाइन मिलने वाले हैं तो हम आपको ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप वो टेस्ट देके अपने आप को असेस कर पाएंगे। इवन इंपिटस गुरुकुल में अच्छी बात यह है कि अभी तक हमारा था क्लासरूम कोर्स और पेनड्राइव कोर्स, अब लाइव क्लासेस कोर्स भी हो गया, उससे भी आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं और हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती जाएगी। कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए, फिर भी किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप मुझे अपना मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। फिर भी एक बिल्कुल क्लियर बोलूं कि फॉर्म भरने से पहले सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से रीड करिए, फॉर्म जरूर फिल करिएगा। फॉर्म जाना है नहीं जाना ये सेकेंड ऑप्शन है, पर एग्जाम जरूर देना है, इस बात को ध्यान रखिए एग्जाम देना भी है। और अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल निमसेट लेवल पे ही रखें। अगर आपके 60% से कम है तो भी उसका एडवांटेज ये होगा क्योंकि आपकी फाइट एनआईटी देने वाले बच्चों से ही होने वाली है जो एनआईटी देने वाले हैं। कई बच्चे जो निमसेट में सिलेक्ट नहीं हो पाते या उनकी निमसेट में रैंक अच्छी नहीं आती, ऐसे में वो बीएचयू ऑप्ट करते हैं। इसलिए अगर आप निमसेट की लेवल की प्रिपरेशन करेंगे तो ही आपके चांसेस है बीएचयू में सिलेक्ट होने के। अगर आप बीएचयू लेवल की ही करेंगे तो चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए इस बात को बिल्कुल क्लियर रखिए कि आपको करना क्या है। एंट्रेंस एग्जाम में कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, हाँ निमसेट में जरूर कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं 10 पर इसमें नहीं आते। पर अगर आप देखें ध्यान से तो जब हम निमसेट की बात करते हैं, एनआईटीज की बात करते हैं, तो 600 का मैथ्स है और 240 का लॉजिकल रीजनिंग है, यही पोर्शन बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम का है और इसका लेवल कम होता है तो उसका आपको एडवांटेज मिलेगा। तो आप अपने पास ऐप जरूर डाउनलोड करिए जहां पर आप बीएचयू के कुछ ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, अपना वहां रजिस्ट्रेशन करा के रखिए, जब जब नोटिफिकेशन आएंगे वो अलर्ट भी आपको टाइमली मिलता रहेगा, ये एक एडवांटेज होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।